दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा है कोरोना, और उसको लेकर पूरे देश की स्थिति उथल पुथल है। आर्थिक स्थिति हो, चाहे जो लोगों का जो रहन सहन हो, खान पान हो, सारी चीज बदल चुकी है। लोगों के काम धंधे छूट गए हैं, लोगों के जो नौकरी वो छूट गई है। लेकिन अब केवल एक ही चीज पे ध्यान है सबका कि हाँ, कैसे मानव जाति को बचाया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लगातार दिन में मॉनिटरिंग करते हैं, रोज मॉनिटरिंग करते हैं, और सारी सुविधाएं देने के लिए वे पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात निकल के आई कि हमारी जो संस्कृति आज भी जिंदा है, लोग सहायता कर रहे हैं, चाहे सांसद हो, चाहे MLA हो, चाहे दानदाता हो, चाहे कोई भी हो, हर प्रकार से व्यक्ति इस संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार को कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी आपका फैसला होगा, हमें मंजूर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं तमाम उन लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे पास लगातार उन लोगों के भी कॉल आ रहे हैं कि 2 अगस्त को हमारी रीट की एग्जाम होगी क्या। वो अभ्यर्थी जो JN भर्ती की जो 1098 पोस्टों पर जो आवेदन प्रक्रिया चल रही थी कि इन दिनों में जो जितने भी ई मित्र थे वो बंद है, तो वो आवेदन नहीं कर पा रहे। चाहे फर्स्ट ग्रेड की जो आपत्तियां मांगी जा रही थी, आंसर की आई थी, वो आपत्तियां भी वो दर्ज नहीं करा पा रहे। तमाम और कई भर्तियां हैं जो आवेदन प्रक्रिया जिनकी नहीं हो पा रही है, जिनकी हालांकि आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं की जो परीक्षा तिथि वो अब स्थगित हो चुकी है। यानी कि जब हमारा राज्य, हमारा देश स्टेबल हो जाएगा कि महामारी से छुटकारा मिल जाएगा, उसके बाद सारी चीज डिसाइड होंगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिला सकता हूं, आप लोगों से यही निवेदन करूंगा। दोस्तों, इतने बड़े राज्य जो देश है, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, इतने मजबूत हैं, जो हर तरह से हमारे से मजबूत है। इनपे स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हैं, आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, और हर तरह से वो मजबूत होने के बावजूद उनकी स्थिति हमारे से खराब है, जबकि हमारी देश की स्थिति ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी निर्देशों की पालना कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं, लगातार ये चीजें देख रहे हैं, गाँव में ये स्थिति है कि लोग अभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों, एक बार गाँव में ये फैल गया, यानी कि जो सिटी में कंट्रोल हुआ, गाँव में फैल गया, तो कहीं ना कहीं ये महामारी हम सबको ले डूबेगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग घरों से ना निकले। आप ये ना सोचे कि हमारी एग्जाम 2 अगस्त को होगी तो हमें सिलेबस पैटर्न का पता नहीं, हम कैसे तैयारी करें, हमारे जो आवेदन प्रक्रिया छूट गई, हम आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो इन आप लोगों को मैं विश्वास दिला दूं, 2 अगस्त को एग्जाम है, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैं मिलूंगा, अभी कह ही नहीं सकता। स्थिति यह है कि अब इस समय हम सबको सरकार के साथ खड़ा होना है और कहना है हम आपके साथ है, हर प्रकार से साथ है, आपके निर्देशों की पालना करनी है। अब ये नहीं कह सकते साहब हमारी JN भर्ती का क्या होगा, साहब हमारी रीट का क्या होगा, साहब हमारी पटवारी का क्या होगा, पुलिस का क्या होगा, ITI वाले जो है बिजली विभाग की भर्ती क्या होगा, वो कह ही नहीं सकते। क्योंकि अब है स्थिति कि हमारी जान कैसे बचे, मानव जाति कैसे बचे, कैसे जो कोरोना से मुक्ति मिले, कैसे कोरोना समाप्त हो। तो दोस्तों, सब मिलकर, आपने देखा होगा चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई सी पार्टी के, वो लोग सब मिलकर, सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है, सारी पार्टी, सारी राजनेता आज संकट में एक साथ है। तो ऐसे समय में हमारा स्वार्थ छोड़ना होगा कि हमारी भर्ती क्या होगा। हमें तो ये सोचना है कि हाँ, आप जो भी निर्देश दोगे, चाहे प्रधानमंत्री जी दे, चाहे मुख्यमंत्री जी दे, हम निर्देशों की पालना करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहला ऐसा राज्य है, उन्होंने तुरंत फैसला लिया लॉकडाउन का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो लगातार खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोगों को राहत देने की कोशिश करें, चाहे वो खाने के पैकेज, जो भिखारी हैं, जो अन्य लोग हैं, जो रोज कमाई, जो काम करते थे, उनके रोज पैसे आते थे, रोज वो अपने घर के लिए राशन लेके जाते थे। कहीं ऐसी, हम तो ठीक है एक किसान परिवार से, क्योंकि किसान परिवारों में क्या होता है कि वहाँ गेहूं, अनाज जो भी है, फसलें उनके पास सुविधाएं होती है, वो 6 महीने तक निकाल सकते हैं, लेकिन सिटी में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो भिखारी हैं, जो रोज कमाई उनका जरिया होता है, तो उन लोगों के सामने बड़ी समस्या। उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा रास्ता निकाल रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, लेकिन हमारा यही है, आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, ये हम युवा हैं। इस वीडियो का जो मेरा वीडियो बनाने का, आप तक पहुंचाने का मतलब यही था कि लगातार लोग कह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिला दूं, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। यानी कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद कम से कम 3 महीने आपको रीट की तैयारी के लिए मिलेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, मैं शिक्षा मंत्री से मिलूंगा, और आप लोगों को बता दूं, इसलिए आप घबराए नहीं, तैयारी घर पे भी कर सकते हो। लेकिन जो पैटर्न Level 2 को लेकर असमंजस की स्थिति में, तो उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आपको 3 महीने मिलेंगे, क्योंकि आप तो सोचिए अप्रैल तो गए आप लोगों का, तो अप्रैल के बाद यदि मई में हमारी स्टेबल हो पाती है
तो 3 महीने यानी कि अगस्त में होने की संभावना है, तो अगस्त से आगे आपकी एग्जाम जा सकती है। इसलिए अब ये न सोचे एग्जाम बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब स्थिति है हमारी असली परीक्षा है कि हमारे राज्य, क्योंकि हम इस राजस्थान के हैं तो हमारे राज्य को हम मजबूत बनाएं, हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेशों की पालना करें, हम लोग घर में ही रहें, बाहर कोरोना को लाने नहीं जाए, और जहां तक संभव हो हम सोशल मीडिया या जहां तक फोन पे हम लोगों को जागरूक करें कि वो बाहर नहीं जाए, हर चीजें उनको अवगत कराए, तो हमें हर निर्देशों की पालना करनी है। तो रीट के जो 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी है उनको ये कहना चाहूंगा, आप लोग असमंजस की स्थिति में न रहे, चिंता मुक्त रहे, जैसे ही हमारी सरकार स्टेबल हो पाती है, कोरोना मुक्त हो पाती है, तो आप लोगों को 3 महीने पर्याप्त समय मिलेंगे। मैं आप लोगों को वादा करता हूं, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, सरकार से मिलकर आपको समय दिलाएंगे, इसलिए आप दिमाग से वो चिंता निकाल दीजिए। इसके अलावा जैन भर्ती के आवेदन पर के उसमें भी आपको समय दिलाएंगे। जो जो चीजें अभी जो प्रभावित हुई है कोरोना को लेकर, जो चीज रुक चुकी है, उससे संबंधित अभ्यर्थी बिल्कुल भी घबराए नहीं। इसके अलावा एक चीज जो सबसे बड़ी मांग होगी हमारी इस संदर्भ में, सबसे पहले क्योंकि जो लोग लाखों की संख्या में, चाहे कोटा हो चाहे जयपुर हो, जहां वो तैयारी करते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे वो इंजीनियर की हो, चाहे वो किसी तरीके में तैयारी करते हैं, रूम ले रखे थे, कोरोना वायरस की वजह से वो घर आ गए हैं, ऐसे में उनका किराया आज भी लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वो निर्देश दे कि उन बेरोजगारों से जो घर से आके कर्जा लेकर तैयारी करते हैं, जो आपदाई अंतर्राष्ट्रीय आपदाई, उसके बाद वो उन रूम को वैसे छोड़कर अपने गाँव आ गए, तो उनका किराया नहीं लगे। ये बड़ी मांग आपकी तरफ से मैं रखूंगा, आप लोगों को राहत भी मिलेगी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे फैसले कर रहे हैं आपके हित में। लेकिन अभी स्थिति में कई लोग कह रहे हैं मुझे फोन करके, भाई साहब आप रीट के लिए बोलो, रीट की 2 अगस्त को एग्जाम नहीं हो, आप किराए के लिए बोलो। अरे मुझे सब पता है, मुझे पता है कि आप जो तैयारी करने आए हैं आपका किराया नहीं लगना चाहिए, जो पीजी में रह रहे हैं उनका भी नहीं लगना चाहिए, और पीजी ने जिन लोगों ने किराया ले रखा है पीजी, उनके भी नहीं लगना चाहिए, जो लोग रूम ले रखे उनके भी नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा आपका किराया नहीं लगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आपका पूरा साथ दूंगा, हो सके तो 100% आपका किराया भी नहीं लगेगा। इसके अलावा हम लोग जो तारीख बढ़ाने वाले, आपको पर्याप्त समय मिलेगा, 3 महीने का समय, आवेदन प्रक्रिया तमाम भर्तियों को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद सीएम माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, हालांकि शिक्षा मंत्री जी के बेटे की जो शादी का जो स्वागत समारोह था, मेरी मुलाकात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हाँ एक बार आप आना, कुछ युवा बेरोजगारों के लिए कुछ नीतियां हैं उनको लेकर एक बार हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कोरोना एक आपदा इतनी बड़ी महामारी आई, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बिजी हो गए, ना मेरी मुलाकात हो पाई। लेकिन जैसे ही हमारा ये कोरोना समाप्त होगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने समय दिया, तो मेरी मुलाकात होगी, तो चाहे किराए वाली बात हो, चाहे रीट की एग्जाम आगे बढ़ाने वाली बात हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आने वाली बात हो, तमाम मुझे मांगे पता है। लेकिन अब ऐसे समय में हम लोग सरकार के सामने बात रखेंगे तो सबसे बड़ी मूर्खता हमारी होगी, क्योंकि अब हमें यही कहना कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें वॉलंटियर बनाइए, जहां आप भेजोगे मैं तैयार हूं। मैंने शायद मेरे एक दोस्त को बोला है कि कल वो छापरा एसडीएम साहब से मिलेंगे कि हाँ हम लोगों को यदि कहीं जो उनके पास किट है, किट हमें उपलब्ध करवाएं, जहां हमें जाना है, जहां कोई सामान पहुंचाना है, तो हम तैयार है इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपदा में सरकार का पूरा सहयोग करने के लिए, जहां तक सहयोग होगा पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम सरकार के साथ खड़े रहे। अब हमारा फर्ज है सरकार, माननीय मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री जी कहना कि हम आपके साथ हैं, आप जो निर्देश देंगे उनकी पालना करेंगे। तो दोस्तों युवा साथियों, क्योंकि लगभग 11 लाख से ज्यादा रीट में, 16 लाख 70 हजार करीब राजस्थान पुलिस में, मई में भी यदि ये हमारा कोरोना समाप्त नहीं हुआ तो मई में भी आपकी एग्जाम नहीं हो, आगे जाएगी। मैंने आपको एक मैसेज के माध्यम से अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कहा था कि आगे जा सकती है, वो आगे गई है, हर चीज मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ। तो आप ये न घबराएं कि आपके साथ गलत होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी गलत नहीं करेंगे, मैं आपका एक दूत बनके, आपका साथी बनकर, जो हमेशा 9 साल से आपका साथ दे रहा हूं, बाद में भी साथ दूंगा, आपकी बात भी रखूंगा, और आपको राहत भी मिलेगा, आपको न्याय भी मिलेगा। लेकिन अब समय है माननीय मुख्यमंत्री जी का और वर्तमान सरकार का साथ देने का, इसलिए सोशल मीडिया में जागरूकता फैलाएं, घर पर रहें, बाहर न जाएं, कोरोना को नहीं लेके आए, क्योंकि हम बाहर जाएंगे तो कोरोना लेके आएंगे, तो अपने परिवार को, अपने खुद को और पूरे देश को आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। इसलिए घर पे रहें, कुछ दिन अपने परिवार के साथ गुजारें, बाहर नहीं जाएं, और आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं, जिस प्रकार लगातार मैसेज डालकर आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूं, आप भी सबको जागरूक करें। विशेषकर सिटी में पुलिस प्रशासन है, सिटी में सरकार लगातार मॉनिटरिंग करिए, लेकिन जो लापरवाही सामने आ रही गाँव में ज्यादा आ रही है, गाँव के लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, तो उन लोगों में जागरूकता है, क्योंकि एक बार कोरोना पहुंच गया तो वो पूरे परिवार, फिर परिवार से पूरा गांव, और एक बार गांव में पहुंच गया तो एक बड़ी इसका नुकसान, बड़ा नुकसान हम लोगों को हो सकता है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन यही है कि आप लोग
घर पर बैठे रहे, तैयारी करें, चाहे रीड हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जैन भर्ती हो, जब भी काफी वैकेंसी आई हुई है, काफी वैकेंसी आएंगी भी, आप उनकी तैयारी घर बैठे रहो, तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी, जब भी एग्जाम होगा वो तैयारी आपके काम आएगी। मैं धन्यवाद उन लोगों को देना चाहूंगा, चाहे मुकेश बेनीवाल के साथी वो है 2013 से, किनकी रमा जी ने 21,000 की सहायता की, और भी अभ्यर्थी है जो लोगों ने अपील के बाद काफी लोगों ने सरकार की सहायता की है, तो ये सरकार की सहायता नहीं, ये जनता की सहायता, आपको बड़ा इसका पुण्य मिलेगा क्योंकि आपने संकट में साथ दिया, उन गरीब लोगों को खाना पूछ पाएगा, कई लोगों को जो किट पूछ पाएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आगे भी जो लोग करीब 2,00,000 लोगों को हमने ज्वाइनिंग दिलाने में एक सहयोग किया था, वो लोग भी सब इच्छा से सरकार का सहयोग करें, क्योंकि सरकार को हम जितना मजबूत करेंगे, सरकार हम लोगों को उतने आसानी तरीके से हमें बचा पाएगी, वो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो आप लोगों को लास्ट में यही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, जो तैयारी करें उन अभ्यर्थियों से यही कहूंगा कि वो घर बैठे तैयारी करें, अच्छी तरह से तैयारी करें, इस समय का सदुपयोग करें, सरकार का साथ दें, और ये दिमाग से निकाल दें कि आपके साथ गलत होगा, नहीं होगा, तारीख भी बढ़ेगी यदि समय कम मिला, क्योंकि मान लीजिए 15 अप्रैल को मान लीजिए पूरा कोरोना खत्म हो जाता है तो शायद 2 अगस्त को एग्जाम हो सकती है, अप्रैल में भी नहीं समाप्त होता है, ये लंबा चलता है, तो आपकी एग्जाम 100% आगे जाएगी, आप लोगों को पूरा समय मिलेगा, आपको कम से कम 3 महीने समय दिलाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपका पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा चाहे जैन तमाम वो भर्तियों के अभ्यर्थी हैं, वो इस समय सरकार के साथ खड़ा रहे, आप लोग इस संकट में सरकार के साथ ही रहें, और आप अपनी तैयारी घर पर रखें, जब भी एग्जाम होगी वो तैयारी आपके काम आएगी। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि बस अब हमारा एक लक्ष्य है कि कोरोना को हराना है, और इस यही हमारी युवा साथियों की परीक्षा है, जागरूक लोगों को भी करना, खुद को भी जागरूक रहना, घर पर रहना, कोरोना को हराना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना है कि हम आपके साथ हैं, कोरोना हारेगा, देश बचेगा और हमारी जीत होगी। जय हिंद, जय भारत।